अब अभय महेश्वरी साहब से बातचीत कर लेते हैं, थाने से हमारे साथ मौजूद हैं। अभय सर नमस्कार, सवाल पूछिए। सर सर वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फॉर बोथ द पैनलिस्ट। जी अभय जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर पैनल एंड स्पेशली थैंक्स फॉर द वीरू हु keeps on giving us a very, very valuable inputs. Ji. I have 50,000 shares of Cafe Coffee Day, CCD. CCD, okay. At 65. Okay. And I have a long-term view on this. आपने 65 के दाम पे खरीदा, right? Yeah, yeah. अबे जी, 65 रुपए पे 50,000 शेयरों की बड़ी पोजीशन आपने ली है, कोई वजह, कोई ट्रिगर, कुछ आपको जानकारी, इनसाइडर, ऐसा कैसे? I got some news and some inputs earlier, so it has gone up to even 72-73 तक भी गया था, but उसके बाद काफी गिरा, but again still I am holding it. Okay, आप अभी भी लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं, right? हाँ जी. Okay, सर्वेंद्र 65 रुपए के दाम पर इनके पास 50,000 शेयर हैं कैफे कॉफी डे के, 1.5 रुपए सो फार मुनाफे में हैं, 72 रुपए के भाव भी देखे हैं इन्होंने रिसेंटली। ये बहुत सारे बज इसके अंदर चल रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा ही बना हुआ है, क्या करना चाहिए इन्हें इनकी पोजीशन में? देखिए बहुत एक्टिव कवरेज का स्टॉक तो है नहीं फिलहाल, तो लास्ट 2-3 साल से ऑलमोस्ट बेजान पड़ा हुआ था, अब थोड़ी जान आने की कोशिश हो रही है इस साल में, बट आई थिंक उसके लिए तो अभी टाइम है, 3 महीने और है मोटा मोटी अर्ली क्लोज के लिए, तो शायद ये अपना लास्ट 4 साल के बाद ये पहली बार ग्रीन क्लोज कर ले, जब वहां से कर लेगा उसके बाद से कहीं इसमें रीडिंग मेरे हिसाब से टेक्निकली शुरू होगी, तो फिलहाल तो मेरा इसमें कोई बहुत स्ट्रांग व्यू नहीं है, बट ट्रेड में क्योंकि बन चुके हैं, बने हुए हैं, तो मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस मैं इनको रिकमेंड कर सकता हूं। मेरे हिसाब से एज लॉन्ग एज 55 के ऊपर टिका हुआ है तब तक मोमेंटम थोड़ा इसमें पॉजिटिव रह सकता है, तो आई थिंक 54-80 पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें क्लोजिंग बेसिस पे, उसके ऊपर जब तक टिका है तब तक तो डेफिनेटली यहाँ पे होप है, नहीं तो फिर टाइम वाइज किसी कंसोलिडेशन में स्टॉक फिर से गिर जाएगा। तो ट्रेड में है तो ध्यान से बने रहे, बट बहुत एग्रेसिवली मैं इनको कोई यहाँ पे टारगेट या राय नहीं दे पाऊंगा। अच्छा अभय सर, ये आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक महीने का चार्ट है, एक महीने में स्टॉक के अंदर 44 रुपए से करीब करीब 72 रुपए तक की तेजी आई है, 30 रुपए की रादर तेजी आप मान सकते हैं मोटा मोटा, हाँ हाँ परसेंटेज के हिसाब से 80% 85% चला है, और ये हाँ इतनी बड़ी तेजी महज 5 दिनों में आई है जब ये बज काफी बाजार में घूम रही है, तो जरा कॉशियस स्टांस अपना मेंटेन रखिएगा, और कंपनी के विश्वसनीय सूत्रों से क्या अपडेट आ रहा है उनको जरूर कीनली वॉच करते रहिएगा। सो फार आप बने रहें, ये आपको राय सर्वेंद्र सर दे रहे हैं। थैंक यू आशीष जी।